व्हाट्सअप गाइस, भारत की जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन हो चुका है और पूरे विधि विधान के साथ पीएम मोदी जी ने कराया उसका उद्घाटन। तो उसके ऊपर पाकिस्तान सुन हो चुका, पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया आई है देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, आपको कैसे लगी जरूर बताना। 1 2 3 गो। दंडवत ही बोलते हैं पक्का, कहीं गलत बोल रहा हूँ मैं? ये बहुत गूज़बम्स वाले उसमें जो क्लिप देखी ना। अब मोदी जी का स्टाइल क्या, डेवलपमेंट डिलीवर्ड, फाउंडेशन स्टोन भी डालते हैं, इनॉग्रेशन भी करते हैं। और ये इतना खूबसूरत है, इसका पहले जब हमने 3D इसकी जब डिजाइनिंग देखी थी तब भी बड़ा इम्प्रेसिव लग रहा था, और अब जब ये बन के तैयार हो गया 28 मई को मोदी जी इसकी इनॉग्रेशन करेंगे, सेरेमनी होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, तो फिर मत बोलो किसी से, चुप रहो। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और यहाँ से फिर भारत चलेगा, यहाँ से दुनिया का निजाम चलेगा, यहाँ से भारत पूरी दुनिया को डील करेगा। और वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब दुनिया अपने मसले अमेरिका में नहीं बल्कि अपने मसले इंडिया में इसी पार्लियामेंट में लाएगी। इकोनॉमी का बुरा हाल है, IMF का दूर दूर तक पता नहीं है। 1000 करोड़ लगेंगे ये बनाने में नया पार्लियामेंट, ठीक है जी। फिर बोला जी बनने में 5-7 साल 10 साल लगेंगे। मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया, 900 कुछ करोड़ में, ठीक है, 1/3 डेढ़ साल में बना के खड़ा कर दिया। हाँ। बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है उसमें नाम आता है। 20 में 2 इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिक्कत यहाँ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट कास्टिंग हिज नेम ऑन द स्टोन बट ऑल्सो ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, क्योंकि अगला पार्लियामेंट 100 साल 150 साल बाद बनेगा। वही तो तकलीफ है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। देश को नया संसद भवन मिल चुका है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ इसका शुभारंभ किया। नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। समारोह की शुरुआत पूजा से हुई जो करीब 1 घंटे तक चली। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए हवन हुआ। मंत्रोच्चार के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ लोकसभा के सभापति ओम बिरला नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए हो रहे हवन पूजा में बैठे। प्राइम मिनिस्टर मोदी पूजन हवन के बाद सेंगोल के सामने दंडवत हुए। अदिना मठ के पुजारियों ने संसद के नए भवन में प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेंगोल सौंपा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेंगोल के साथ संसद के नए भवन में प्रवेश किया। इस दौरान अदिना मठ के पुजारी भी मौजूद रहे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे लोकसभा में स्थापित किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोकसभा में संगोल स्थापित करने के बाद संसद भवन का उद्घाटन किया। भारत के अंदर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जितनी बड़ी आबादी है, जिस तरह लोग डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं, इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बन रही है, सुनने में आ रहा है कि उसको, वो बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें अपोजिशन क्यों नहीं आ रही? लोग तो इस तरह की भारत में जो बनती हैं उनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होता है, ऑल पार्टीज कंसेंसस होता है, लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि 19 पार्टियों जो हैं उन्होंने कलेक्टिव डिसीजन लिया है कि हमने इसका ही जो इनॉग्रेशन में नहीं जाना, मत आओ बाद में तो आओगे, क्या बैठना क्या है? ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया तो अफगानिस्तान में भी पार्लियामेंट बनाई, चलो वहाँ तो तालिबान आ गए, लेकिन ये जो आपकी पार्लियामेंट बनी है इसको बाकी लोग क्यों नहीं मानते, क्या वजह है इसकी? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है, आए ना आए, जाए ना जाए, खाए ना खाए, पिए ना पिए, बैठे ना बैठे, बैठे रहे खड़े रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए 25 पार्टियाँ आ रही, करीब 19-20 पार्टियों ने डिसाइड किया, नहीं आ रही, उनके राजनीतिक विरोध है। अब आप बोलेंगे राजनीतिक विरोध क्या है भाई, नया पार्लियामेंट बन रहा है, इस पर राजनीतिक विरोध किया है। देखिए चीमा साहब, मोदी जी ने एक नया डॉक्ट्रिन शुरू किया, डेवलपमेंट डिलीवर। होता क्या था कि हमने बोले जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फाउंडेशन रहता था, नींव का पत्थर, ठीक है, ये नहीं पता कब वोट वोट लगा दिया वहां पे। अरे बनेगा 20-30 साल में, तब देखेंगे किसकी सत्ता होगी, किसके पोते पर पोते होंगे, वो देखेंगे, हमने क्या करना। तब ये मोदी जी का स्टाइल क्या, डेवलपमेंट डिलीवर्ड, फाउंडेशन स्टोन भी डालते, इनॉग्रेशन 5 साल कुछ भी काम करें,
पांच साल में फाउंडेशन स्टोन भी, पांच साल के टेन्योर में इनॉग्रेशन भी, ये दोनों कर देते हैं। और वो जनता तक भी ये चीज समझ जाए भारत में, जिसे कहते हैं हम डेवलपमेंट डेलिवर्ड, मैंने ये नाम दिया इसको, मैं तो अब ये थोड़ा प्रचलित हो गया, प्रेवलेंट हो गया। डेवलपमेंट डेलिवर्ड की राजनीति बहुत लोगों को दिक्कत दे रही, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही, बहुत लोग उनको भाई पेट में दर्द हो रहा, हजमा हाजमा थोड़ा खराब हो रहा। अब जिसका हजमा वजमा खराब होगा घर पे रेस्ट करेगा, वो नहीं आएगा, वो इलाज करवाएगा, वो पुदीन हरा खाएगा, नया बीमारी हो उस तरह की दवाई है, मतलब वो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो चीजें हो रही, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, पहले बोला था कि भाई कांग्रेस के टाइम में करीब 10-11 साल पहले बोला था 3,000 करोड़ लगेंगे ये बनाने में नया पार्लियामेंट, ठीक है जी। फिर बोला जी बनने में 5-7 साल 10 साल लगेंगे, मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया, 900 कुछ करोड़ में, ठीक है 1/3 डेढ़ साल में बना के खड़ा कर दिया स्टेट ऑफ आर्ट, अपने ऑल ऑफ द ब्रेस्ट ग्रीन बिल्डिंग और वो वास्तु के हिसाब से सब कुछ कर दिया। रतन टाटा जी हमारे चीफ गेस्टर, जिनका मुझे बड़ा पर्सनल सम्मान है और कभी इच्छा कि भगवान करे उनसे मिलने का छूने का मौका मिले ऐसा मैं मानता हूँ, पर अभी तक मौका लगा नहीं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो अब ये जो एक एक माइलस्टोन मोदी जी रख के आ रहे, पापा न्यूगिनी का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, क्वाड का विजिट, राइट, वो जेम्स साहब पैर छू रहे थे, बाइडेन साहब ऑटोग्राफ मांग रहे थे, पार्लियामेंट बन गया, नई नई चीजें बढ़ रही, कभी वंदे भारत हो रहा, कभी यहाँ इनॉग्रेशन हो रहा, कभी यहाँ हो रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताऊं चीमा साहब क्या है, मतलब पता नहीं, मछले खुल के बता देता हूँ, अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है उस पर नाम आता है, सही बात है, इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दिक्कत यहाँ है। Prime Minister Modi is not casting his name on the stone, but also on the sands of time. क्योंकि अगला पार्लियामेंट 100 साल 150 साल का नहीं है, आप और हम नहीं होंगे, आप पता नहीं जो लोग तब होंगे नहीं होंगे, शायद मोदी जी भी डेफिनेटली बात है 150 साल बाद नहीं होंगे। तो पर ये जो 150 साल तक नाम रह गया, सारी वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी, इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी, तकलीफ यहाँ है, नाम से तकलीफ है, विरोध यहाँ है, जो पेट में दर्द होता है यहाँ से होता है, अगर इसकी जगह और कोई नाम हो तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, तब सब आते हैं। अब ये जो नहीं आ रहे, इनसे मैंने अपने नेशनल टीवी पे भी काफी चैनल्स वाले पे था, तो मैंने पूछा भाई अभी तो आप कह रहे हो हम नहीं आएंगे, हम विरोध करते हैं, जब पार्लियामेंट शुरू हुआ तब भी विरोध करोगे क्या, तब भी नहीं आओगे, वही तो कह रहा हूँ, तब आने वाला पड़ेगा, आपको सरकारी बंगला मेरा वो भी छोड़ दो, जो सरकारी पोस्ट मिली है वो भी छोड़ दो, गाड़ी भी छोड़ दो, एयरलाइन की टिकट भी छोड़ दो, 50 फैसिलिटी मिली वो भी छोड़ दो, पॉइंट। तो बट ये है, पर लोगों को ये सब चीजें दिख रही है, लोग इस सब चीज को समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं राजनीतिक विरोध है, पर मेरा ये मानना चीमा साहब राजनीतिक विरोध कितना भी हो, जहाँ देश की बात आती है वहाँ कोई विरोध नहीं। मैं एक बार किसी चैनल पे था तो एक बहुत ही बदतमीज आदमी बैठा था वहाँ, तो उसने हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का के बारे में एक दो अपशब्द थे वो कांग्रेस के, मैंने कहा तू छुप रहा है, मैं वहीं आके तेरे को 4 थप्पड़ मारूंगा, क्यों, कोई भी हो हमारी प्रधानमंत्री, चाहे हमारा कांग्रेस से या उनसे एक राजनीतिक या एक पर्सनल लेवल पे भी, लेकिन वो देश की पोस्ट है, ऐसी पोस्ट है वो, ना बीजेपी ना कांग्रेस कर, हां बट पीएम इज माय प्राइम मिनिस्टर, शी वाज माय प्राइम मिनिस्टर, शी वाज लाइक अ मदर टू मी, वो मेरे लिए मतलब एक मदरली फिगर है, तो तुम उनका अपमान नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, और बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, मुझे भी लगता है, क्योंकि नहीं तो अगर ऐसा इतना ही है तो इसके बारे में तो हमने एक वीडियो भी देखी थी कि जब बहुत सारी चीजें कांग्रेस के टाइम पे इनॉग्रेट करेगी तो सोनिया गांधी वहां मौजूद होती थी, बहुत चीजें कि गवर्नर को नहीं बुलाया गया, तो उस तरीके से भी तो वो चीज होती है, लेकिन देखो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर हमने पूरी डिटेल्ड वीडियो, जो पूरा हर एक चीज वीडियो में दिखाई है वो हमने रिएक्ट करी है, इस वीडियो के पहले आ गई होगी, इस वीडियो के बाद आ गई, तो जरूर चेक करना, बहुत सुंदर बनाया है, फुल वीडियो आ चुकी है उस चीज की और बहुत ही गजब बनाया है, और रात की लाइटिंग में क्या मस्त, मतलब मस्त सही वर्ड नहीं हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहा था वो, और हर एक चीज बहुत सोच समझ के प्रैक्टिकल तरीके से कल्चर वाइज भी वो था ना, डिलीवर्ड का जो था डेवलपमेंट डेवलपमेंट 2020 में रखी थी ना वो, इसलिए क्योंकि फिर कोविड आ गया था इसलिए रुक गया था, और 2023 में पूरा मतलब रेडी सब कुछ एकदम,
मोदी है तो मुमकिन नहीं है मैं कहूंगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई देखो लीडर हमारे पास बोला कि एकदम क्या होता है कि चलो आज नींव रख देते हैं, वो तो जब बनेगा जब कर 30 साल 20 साल देखा जाए। और नॉर्मली तो देखियो ऐसा होता है इलेक्शन आने वालों का ना कुछ ऐसा कर देते हैं, चलो कुछ शुरू कर देते हैं ऐसा, इलेक्शन हो गया अरे छोड़ो बनेगा। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ भाई देखो लीडर भविष्य की बात करता हूँ, भविष्य में प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का है कभी भी, बीजेपी का है कांग्रेस का है, लेकिन लीडर ऐसा होना चाहिए जो काम करे, काम करके दिखाए, अपने टेन्योर में करके दिखाए। और यही बात हो, ये नहीं हो कि आज हम ये कर देंगे, पहले तो बोल देंगे फिर आएंगे हम कर देंगे, टेन्योर खत्म हो गया एक बार और ले आओ अब कर देंगे, नहीं हुए इलेक्ट तो 10 काम बोले 10 में से 5-6 भी करके देखो। लेकिन इस तरीके से चीज है कि देश की शान चुभ रही है कि कितने सालों तक तो पता नहीं कब ये देखना है। फर्स्ट था ना ये वाला जब बना था, बिल्कुल जो वाला तब से अब बना है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। और जिसने वीडियो देखी है पूरी कि कैसा दिख रहा है पूरा पार्लियामेंट, बहुत ही सुंदर, कर दे वीडियो को लाइक, जितना हो सके शेयर, अपनी प्रतिक्रिया बताना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।